आज दिन गुरुवार का है, डेट है 25 नवंबर। और सुबह नाश्ते में थेपले बनाए थे तो दीपक ने थेपले खाकर साथ में टिफिन में उसे दही और थेपले दे दिए हैं, दूसरा कुछ नहीं बनाया अलग से। और दिनेश के लिए भी थेपले ही हो जाएंगे, वो भी थेपला ही खाकर स्कूल जाएगा। पापा जी के लिए यहाँ पर भिंडी की सब्जी बना रही हूँ, भिंडी तो कांटे वाली भिंडी मैंने काट ली है, जो ही पर प्लेट में रखती है। कांटे वाली भिंडी बहुत अच्छी रहती है सेहत के लिए। और यहाँ पर एक प्याज ये सब काटा बेटी हो चुकी है, सब्जी बनानी है। और एक पपीते, रात में 3 बड़े बड़े पपीते ले आए थे, तो एक पपीता तो रात में ही सबने खा लिया, अभी 2 रखे हुए हैं और आज व्रत भी है तो दोपहर में खा लेंगे। तो चलिए सब्जी बना लेते हैं। पहले तो दिनेश को नाश्ता दे देती हूँ, उसका स्कूल का टाइम हो रहा है, थेपला और दही दे रही हूँ। और पापा जी ने अभी नहाया नहीं है, उनके नहाने में अभी थोड़ा सा टाइम है, जब तक वो नहा लेते तब तक सब्जी और रोटी बन जाएगी। और जो जाने वाले उनको पहले देना पड़ता है, नहीं तो अगर लेट हो गया तो फिर बिना खाना खाए ही चले जाएगा दिनेश, इसीलिए पहले उसे दे दिया है। अब सब्जी बना लेते हैं। तो कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, ऑयल गर्म होने देते हैं अच्छे से। और भिंडी की सब्जी ना बहुत जल्दी से बन जाती है। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें राई और जीरा डालेंगे और एक कटी हुई प्याज। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे कटा हरा धनिया। अब डालेंगे कटी भिंडी और अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर, जो भी इसमें चिपचिपापन रहता है ना भिंडी में तो वो सारा जल जाएगा। थोड़ी देर इसी तरह से फ्राई करके फिर बाद में डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। मसाले अच्छे से मिल चुके हैं, अब थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल 2 चम्मच, और ढककर रख देंगे, सब्जी तैयार हो जाएगी। दोपहर का टाइम है, दिनेश आ चुका है स्कूल से लंच करने के लिए, तो आते ही से पहले पपीता खा ले रहा है, हमने अभी भी पपीता खा लिया है, ये भी आ चुके थे 11 से, तो पपीता दही ये सब हमारा हो चुका है। आज ना मुझे लड्डू खाने का मन कर रहा है, तो इसलिए मूंगफली भून ली है। मूंगफली एकदम तसल्ली से भूननी है हमें, इसका इस तरह से छिलका उतरना चाहिए, हाथ लगाते ही एकदम कड़क हमें ये मूंगफली भून लेनी है, तब जाके हमारे लड्डू टेस्टी बनेंगे। तो इस तरह से लड्डू बनाने के लिए मूंगफली भून ली है, गुड़ ले लिया है, और इसे एक मिक्सी के जारे में गुड़ और एक साथ ही दोनों ले लेने हैं, मूंगफली और गुड़, और एकदम महीन हम इसे पीस लेंगे। और यहाँ पर ये इडली बनानी है मुझे, तो ये भिगो कर रख दिए चावल और उड़द दाल मेथी वगैरह। तो ये देखिए एकदम महीन ही पीस चुका है, अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब डालेंगे इसमें 1 से 1.5 चम्मच घी। हमारे लड्डू ना बनाना जितना आसान है उतने टेस्टी लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, और बनाना भी ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत जल्दी से बन जाते हैं। तो इस तरह से घी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब हम फटाफट से इसके लड्डू बना लेते हैं। वैसे भी गुड़ और मूंगफली बहुत अच्छे रहते हैं सेहत के लिए। इतने आसान तरीके से लड्डू बन रहे हैं, तो सारे लड्डू इसी तरह से बना लेती हूँ। तो ये देखिए इतने लड्डू बन चुके हैं, और जो बचा है ये ऐसे ही खा लूँगी, उसका लड्डू तो नहीं बन सकता। तो जितने बने हैं सारे इस तरह से डिब्बे में डालकर ढककर रख देंगे, नहीं तो चींटियाँ आ जाती हैं बहुत जल्दी से, उन्हें बहुत जल्दी से पता चल जाता है कि यहाँ पर मीठा रखा हुआ है, तो बहुत सारी चींटियाँ आ जाती है। तो इस तरह से इसे पैक करके रख देंगे। अब शाम का टाइम हो रहा है तो झाड़ू लगा लेते हैं, तो पहले तो बेडरूम में झाड़ू लगा ले रही हूँ।
बेडरूम में झाड़ू लग चुके हैं, अब हॉल में भी लगा लेते हैं। और ये सोफे सुबह के टाइम भी एक बार झटक के इस तरह से कवर सारे में डाल देती हूँ, फिर दिन भर पेटा जाता है, यहीं पर खाना पीना बैठना सब हो जाता है। फिर अभी एक बार इस तरह से सारे सोफे के जो कवर है निकाल कर झाड़ कर फिर से बिछा देती हूँ, फिर झाड़ू लगा लेती हूँ। इस तरह से दो या तीन बार सोफे के कवर निकाल कर डाल देती हूँ, फिर वही हालत हो जाती है। और ज़्यादा कूड़ा कचरा नहीं है क्योंकि मैं बार बार झाड़ू लगाती रहती हूँ। और वैसे भी कोई छोटे बच्चे है नहीं, दिनेश है, उसे तो समझ में आता है, तो कुछ कचरा वचरा नहीं करता है वो घर में। झाड़ू लग चुकी है पूरे घर में, अब ये थोड़े से बर्तन है, ज़्यादा बर्तन भी नहीं है। चाय बनी है और ये लड्डू वगैरह बने हैं तो मिक्स की जा रही है, बस इतने ही थोड़े से बर्तन है साथ ही साथ ही साथ मान लेती हूँ। जब रात में खाना बनेगा तो बहुत सारे बर्तन हो जाएंगे। अब शाम के 7:30 बज रहे और ये अभी अभी गए शायद बाबा के मंदिर, घर में आरती हो चुकी है तो आरती करके चले गए। जब तक ये आ जाते तब तक हम यहाँ पर खाना बना लेते हैं। तो दाल पक चुकी है, आज मिक्स दाल बना रही हूँ, चना दाल और उड़द की दाल। चना दाल उड़द की दाल ये दोनों दालें मिक्स कर, यहाँ आधी आधी कटोरी मिक्स दाल पका ली है। दाल पक चुकी है तो गैस बंद कर दिया है और यहाँ पर हरी मिर्च लहसुन छिली है, हरी मिर्च भून ली है। हरी मिर्च डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट ही, जब भी हमें मिक्स दाल बनानी है उसमें हरी मिर्च डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत स्वादिष्ट दाल हमारी बन जाती है। और यहाँ पर चावल भिगो कर रख दिए है, चावल भिगो कर ही मैं बना लेती हूँ। तो चावल भिगो कर एकदम चिपचिपी से चावल हो जाते हैं, दाल के साथ चिपचिपी चावल अच्छे लगते हैं। तो थोड़ी देर आधे घंटे तक मैं भिगो देती हूँ चावल को, फिर बाद में से पकने के लिए रख दूँगी। तो चलिए पहले तो दाल बना लेते हैं। और दिनेश अभी भी आया है, अभी चेंज वेंज नहीं किया है अभी। तो ये मिक्स दालें पकने के लिए रख दी थी तो अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसे एक इस तरह से लोटे में निकाल कर मैं इसे रवि से चला रही हूँ, कुकर में अच्छे से नहीं आता है, अच्छे से दाल नहीं मिल पाती है, तो इसीलिए इस तरह से इस लोटे में ले लेती हूँ। फिर बाद में उसमें हल्दी पाउडर नमक ये सब डाल के रवि से चला लूँगी। और लाल मिर्च नहीं डाल दे रही हूँ, हरी मिर्च डालनी है तो हरी मिर्च अभी पीसी नहीं है, ठंडी होने के लिए रख दी है। तो हरी मिर्च ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे मिक्सी की जारी में डालकर एकदम वही पीस लूँगी। तो दिनेश बोल रहा है कि कुछ मदद कर दो, तो बोल रही हूँ उसे तुम ही मिर्ची पीस के दे दो। इनका मन ही मन है, कभी मन में आए तो कर लेते हैं, कभी कितनी बार मैं बोलती हूँ फिर भी कोई मदद नहीं मिल पाती है मुझे किसी से भी, बस इनके मन में आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लहसुन कूट ले रही हूँ जब तक दिनेश ये मिर्ची पीस लेता है। तो इस दाल में हल्दी पाउडर और नमक मैंने मिलाया है और अभी पीसी हुई मिर्च और गरम पानी डाल के दाल को मिला लिया है। अब फटाफट से तड़का लगा लेते हैं। तो कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है, इसमें राई डाल दिए पहले, तो राई को चटकने देते हैं। अब डालेंगे जीरा, जीरे को भी अच्छे से चटकने देते हैं। और ये पीस दरदरा सा कूटा हुआ लहसुन डाल के मिला लेते हैं, थोड़ी देर भून लेते हैं, थोड़ा सा लहसुन का कलर चेंज हो जाए। अब डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा इस तड़के में, बस सिंपल सी ये दाल बनती है मगर बहुत टेस्टी लगती है। अब डालेंगे ये दाल, अब ये इमली का पल्प, इमली का पल्प डालने से ना बहुत टेस्ट आ जाता है इस दाल में। हरी मिर्च और इमली का पल्प बहुत ज़रूरी है उड़द के दाल में, उड़द और चना दाल जो मिक्स दाल हम बनाते हैं इसी से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। बाद में सुहाना मसाला डाला है, दाल बन चुकी है, दाल बन चुकी है, चावल करने के लिए रख दिए हैं और यहाँ पर थोड़ी सी चटनी भी पीस ली है। ये चटनी ना बहुत टेस्टी लगती है ज्वार की रोटी के साथ,
वैसे तो मैं कलर में कूट लेती हूँ चटनी, कोई भी चटनी हो कलर में ही अच्छी लगती है, थोड़ी सी मेहनत भी लगती है उसमें और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और मिक्सी के जारे में ही पीस लिया है क्योंकि लेट हो जाता, व्रत है तो ये आते ही खाना खाने बैठेंगे और वैसे भी खाने का टाइम हो ही चुका है, ये दीपक से भी आ जाएंगे अब खाना खाने के लिए, तो फटाफट से बना लिया है मिक्सी के जारे में पीस लिया है। और इस चटनी में ना भुनी हुई प्याज, टमाटर, हरे टमाटर और हरी मिर्च ये सब कुछ भून के और इसमें पुदीना, हरा धनिया, लहसुन, अदरक, जीरा ये सब डालकर इसे पीस लिया है। बहुत टेस्टी है चटनी लगती है रोटी की। मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर नहीं की है, मैं कभी बनाऊंगी तसल्ली से तो आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत टेस्टी है चटनी लगती है, अगर आप बनाओगे तो आपके घर में सब आपकी तारीफ करेंगे, बहुत टेस्टी लगती है रोटी के साथ ये चटनी। तो ये चटनी भी बन चुकी है, फटाफट से रोटियाँ बना लेते हैं। रात के 10 बजे मेरा खाना पीना हो चुका है और किचन भी एकदम क्लीन है, सारे बर्तन मांग दिए, रैग में भी पोछ पोछ के लगा दिए, कपड़े से पोछ के लगा दिए। सुबह के टाइम में जल्दी उठती हूँ, बर्तन लेने होते हैं तो उसकी बहुत ज़ोरदार आवाज़ आ जाती है क्योंकि एक साथ एक ही उस टोकरे में रख देती हूँ मैं, तो अगर कुछ सामान चाहिए तो ले लेती हूँ ना तो सारे बर्तन की आवाज़ आ जाती है। तो सुबह 4:30 बजे तो सब सो रहे होते हैं तो इसीलिए ज़्यादा आवाज़ नहीं करती हूँ, इसीलिए पोछ पोछ के यहाँ पर लगवा दिए है रैग में। और अब सब सो रहे तो अब मैं भी सोने जा रही हूँ। अब इस वीडियो को एंड करती हूँ और मिलते हैं जिसने स्टूडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी न्यू वीडियोस, न्यू व्लॉग्स आपको डेली डेली मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।